हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रीमियम बिल्डिंग जिसमें आपको फ्रंट में 3 BHK फ्लैट जो कि 90 गज में मिलता है और बैक साइड में 2 BHK फ्लैट जो कि 55 गज में आपको प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग उत्तम नगर के बाल उद्यान रोड पर बनाई गई है जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 200 से 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही अवेलेबल है। बिल्डिंग में आपको लिफ्ट एंड कार पार्किंग फैसिलिटी भी दी गई है। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं अपने फ्लैट्स को। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे 2 BHK लग्जूरियस फ्लैट के मेन एंट्री डोर से फ्लैट के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एंट्री डोर है और डोर की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको दी गई है। सेंट्रल लॉक मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम आपको दिया गया है। सो ओवरऑल अगर आप बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन डोर्स का आपको मिल जाता है। जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे, आप देखेंगे एक बड़ा सा लिविंग एरिया। बताता चलिए, एक 55 गज का 2 BHK फ्लैट है। सो 55 गज के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस यहां पर आपको मिल जाता है और लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं टाइल वर्क काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आप सिटिंग की बात करें तो बड़ा सा यू शेप का सोफा सेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आराम से 9 सीटर सोफा सेट यहाँ पर आ जाएगा। बीच में सेंटर टेबल भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो टेक्सचर्ड वॉलपेपर यहाँ पर आपको लगा कर दिया गया है। साथ ही स्प्लिट एसी की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है और क्योंकि लिविंग एरिया का साइज काफ़ी अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग के डिज़ाइन में 2 फैंस भी प्लेस करके दिए गए हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम है। 2 फैंस जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ और सेंटर में आपको शैंडलियर भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आपको दिया गया है। इसके साथ ही नाइट लैंप्स भी आपको दिए गए हैं जो कि काफ़ी ब्यूटिफुल देखने में लगते हैं। सो फ्रेंड्स, सिटिंग के ठीक ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा LED TV पैनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैक वॉल है उसको ग्रीन ग्रास जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रास होती है उससे कवर किया गया है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल देखने में लगती है। और किसी भी साइज़ का आप यहाँ पर TV प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइका यहाँ पर यूज़ किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं TV से रिलेटेड एसेसरीज को रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्यूटीफुल लिविंग एरिया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका किचन। बट किचन में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये 2 BHK फ्लैट है और दोनों ही बेडरूम्स के साथ आपको एक एक अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। सो 2 वॉशरूम्स आपको इस फ्लैट के अंदर मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हमारे किचन के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्यूटिफुल किचन। किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। फ्रिज लगाने के लिए यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है जिसके लिए प्लग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। सो यहाँ पर आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किचन के साइज़ की बात करें तो आराम से 4 लोग खड़े होकर यहाँ पर किचन से रिलेटेड अपने काम कर सकते हैं। इतना अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर के स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की बात करें तो राशन से रिलेटेड छोटे बड़े बॉक्सेस को आप यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही आपको चिमनी भी हम लगा कर दे रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं छोटी छोटी डेकोरेटिव लाइट्स आपको लगा कर दी गई हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल इस किचन को बनाती है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको इस किचन में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप बात करें नीचे तो किचन टॉप मार्बल आपको व्हाइट कलर का दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। और पूरे किचन में आप देख सकते हैं इस तरह का टाइल वर्क देखने को मिलेगा और इस वॉल पर आपको हाफ वॉल टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा आपको किचन सिंक दिया गया है जो कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बनाया गया है। नीचे के स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपने कटलरी वेयर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके लिए आपको जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाकर दिए गए हैं। और किचन में जितने भी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं ये सभी सॉफ्ट क्लोजर मटेरियल के साथ बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्यूटिफुल किचन। सो फ्रेंड्स, किचन को देखने के बाद आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ।
सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइल वर्क काफी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर रूम के स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा है। यहाँ पर आप अपना आसानी से डबल बेड लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस तरह के स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी आपको दिए गए हैं और डबल बेड के दोनों साइड आपको नाइट लैंप्स रखने के लिए इस तरह के स्पेसेस दिए गए हैं जिसमें आप अपने नाइट लैंप्स भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको स्टोरेज से रिलेटेड तो यहाँ पर कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको शाफ्ट से कनेक्टिविटी दी गई है और वॉलपेपर काफ़ी प्रीमियम 3D वॉलपेपर आपको मिल जाता है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो प्रीमियम फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जिसमें LED लाइट्स एंड कॉब लाइट्स का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, इस रूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है। सो वॉशरूम में हम बाद में जाएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दिया गया बड़ा सा LED TV पैनल जिसमें आप अपना किसी भी साइज़ का LED TV प्लेस कर सकते हैं। डुअल टोन माइका के साथ दिया गया है ये LED TV पैनल जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और TV से रिलेटेड एसेसरीज को रखने के लिए यहाँ पर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं हमारे वॉशरूम में। हालांकि अभी सैनिटरी फिटिंग्स का काम नहीं हो पाया है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ इस वॉशरूम को बनाया गया है और डिज़ाइन पूरा होने के बाद ये वॉशरूम काफ़ी ब्यूटीफुल देखने में लगने वाला है। इसके साथ ही बताता चलूँ, यहाँ पर जो टाइल वर्क है काफ़ी प्रीमियम किया गया है और इवन फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको वॉशरूम में देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अटैच वॉशरूम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बेडरूम में आपको डिफरेंट टाइल वर्क देखने को मिलेगा जो काफ़ी ब्यूटीफुल देखने में लगता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम 3D वॉलपेपर देखने को मिलेगा जो कि एक नेचर से कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराता है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो प्रीमियम फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जिसमें LED लाइट्स एंड कॉब लाइट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है और इस तरह की डेकोरेटिव लाइट्स भी आपको यहाँ पर लगाकर दी गई है। अब क्योंकि ये रूम बैल्कनी से कनेक्टेड है तो आपको बैल्कनी में जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है और आप देख सकते हैं बड़ा सा विंडो भी आपको मिल जाता है जिससे आप अपना विंडो AC भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको TV को कनेक्ट करने के लिए प्लग पॉइंट्स दिए गए हैं और बताता चलूँ, पूरे फ्लैट के अंदर आपको ब्रांडेड यानी कोना ब्रांड के प्लग पॉइंट्स एंड स्विचेस दिए गए हैं। सो क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, बैल्कनी में हम बाद में जाएंगे, आइए उससे पहले देखते हैं हमारे अटैच वॉशरूम को। सो फ्रेंड्स, जैसे हम वॉशरूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे स्पेस काफ़ी अच्छा आपको 2BHK फ्लैट के हिसाब से मिल जाता है। टाइल वर्क की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम टाइल वर्क डुअल टोन में आपको दिया गया है। वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट का यहाँ पे प्रोविजन है, गीजर के पॉइंट्स है, टैप्स के कनेक्शन सभी यहाँ पर, कनेक्टिविटी तो सारी मिल जाती है, बस सैनिटरी फिटिंग्स का काम होना बाकी है जो कि जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अटैच वॉशरूम। सो फ्रेंड्स, आइए आप चलते हैं बैल्कनी एरिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं बैल्कनी का स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। बैल्कनी में आपको हाफ वॉल मिल जाती है जिसमें टाइल वर्क भी आपको देखने को मिलता है और पूरी बैल्कनी में आपको इस तरह का टाइल वर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको प्लग पॉइंट्स भी दिए गए हैं और इसके ठीक ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हैं इस तरह की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ ये बैल्कनी बनाई गई है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 2BHK लग्जूरियस फ्लैट जो कि 55 गज में बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, इस फ्लैट के अंदर सभी एसेसरीज ब्रांडेड आपको दी गई हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं छोटी छोटी बातों का इस फ्लैट में काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। जो लाइट वर्क है वो काफ़ी प्रीमियम आपको दिया गया है, प्लग पॉइंट्स एंड स्विचेस भी आपको ब्रांडेड दिए गए हैं और ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, फ्लैट आपको एक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये फ्लैट उत्तम नगर के बाल उद्यान रोड पे बनाया गया है जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।